नमस्कार दोस्तों, टेक न्यूज एंड अपडेट्स में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट आज आपको बताने वाला हूं सैमसंग J6 के बारे में। तो अगर आप नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और बाकी रही बात J6 की, तो पहले से एंड्रॉयड 10 का अपडेट आपको मिल चुका है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं तो भाई, अगर आप कुछ भी ख़रीदना चाहते हो amazon.com से, क्योंकि एक बहुत ट्रस्टेड वेबसाइट है amazon.com, अगर वहां से आप कुछ भी ख़रीदना चाहते हो तो आपको 80% तक ऑफ मिल रहा है। ये मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि मैं ले चुका हूं, बाकी आप लिंक जो है नीचे चेक कर सकते हैं। तो सैमसंग गैलेक्सी J6 की बात करें तो ये दो डिवाइसेज आए थे, सैमसंग गैलेक्सी J6 और एक ON6 आया था जो कि चाइना में आया था। तो ON6 की बात करें या इन दोनों की बात करें तो दोनों वेरिएंट जो थे बहुत अच्छे वेरिएंट आए थे, और अभी इनको जून 2020 का जो अपडेट है वो मिला था, और अप्रैल में इनको मिल गया था भाई एंड्रॉयड 10 का अपडेट। तो सैमसंग गैलेक्सी J6 एंड ON6 के यूज़र्स को नए फीचर्स मिले हैं, जिसमें आपको डार्क मोड मिलता है, स्मूदर एनिमेशंस मिलती हैं, एंड बहुत सारे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इटरेशन भी मिलते हैं, जिसमें दोनों फ़ोन जो है 2018 में आए थे, आउट ऑफ द बॉक्स जो है रिलीज़ हुए थे, और इन्हें एंड्रॉयड 9 का One UI लास्ट ईयर मिल चुका था। और भाई One UI तो इनको मिल चुका था, इसके साथ साथ सैम मोबाइल में बताया गया है, एक सैम मोबाइल एक वेबसाइट है जिस पर आप सैमसंग के सभी अपडेट्स आते हैं, उसमें एंड्रॉयड 10 का ओवर द एयर अपडेट जो है वो सैमसंग J6 और ON6 में आ गया है, जिनका फर्मवेयर वर्जन है J600ZDX U6CTF4। दोनों ही सिस्टम जो है एकदम सेम UI पे, मतलब फर्मवेयर जो है दोनों का सेम है, क्योंकि दोनों ही फ़ोन सेम है। और बाकी बात करें अपडेट के साइज़ की, तो 1427 या कहें 1427 MB का जो अपडेट है वो इसको मिला था, और जून 2020 का एंड्रॉयड पैच का अपडेट जो है मिला था। बाकी गैलेक्सी J6 इंडिया वाले यूज़र जितने भी हैं उनको अवेलेबिलिटी मतलब मिल चुका है एंड्रॉयड 10 का अपडेट। अगर आपको मिला है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो आपके कमेंट को सुनना चाहते हैं। और इसमें One UI 2.0 का अपडेट भी इसको मिला था। अगर आपको इसकी अवेलेबिलिटी चेक करनी है कि भाई ये मिला है या नहीं मिला है, तो आपको सिंपली एक काम करना है, आपको अपने सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स के बाद आपको सॉफ्टवेयर अपडेट में जाना है, सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद डाउनलोड अपडेट्स मैन्युअली, वहाँ से आप जो मैन्युअली अपना अपडेट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे अपडेट जो हैं वो देखने को मिले हैं, जिसमें आप डार्क मोड, स्मूदर एनिमेशन, क्लियर ऐप आइकन एंड सिस्टम कलर, इम्प्रूव्ड टाइटल एंड बटन लेआउट, और बहुत से नए वॉलपेपर आपको इसमें देखने के लिए मिलते हैं। और इसमें कुछ एप्लीकेशन है जो इंडिविजुअली उनको अपग्रेड जो है किया गया है, जैसे कैलकुलेटर, सैमसंग इंटरनेट, सैमसंग हेल्थ और सैमसंग नोट्स, बहुत सारे अपडेट जो है इसमें मिले हैं। तो भाई इस वीडियो में बस इतना ही था, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।